हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वानी स्टाइल व्लॉग। सो कैसे आप सब? बहुत टाइम बाद आप सब से इंटरेक्शन हो रहा है एंड इट्स बीन लाइक ईयर कि मैं यूट्यूब व्लॉग सब मिसिंग रही हूँ। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला है कि प्लीज़ पुट सम व्लॉग, एटलीस्ट लाइक वीक में एक व्लॉग तो दे दे क्या करो। पर नहीं, अब सोचा है कि मैं डेफिनेटली आपके लिए वीक में एक नहीं तो दो व्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी। एंड दिस टाइम मैं तीज का व्लॉग लेके आई हूँ। तीज में मैंने ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं किए, जस्ट थोड़ा बहुत मेहंदी एंड ऑल ये सब एंड फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सेलिब्रेट किया किटी पार्टी में अपने। मैं शुरू से बनाती आ रही हूँ तीज व्लॉग, सो मैंने कहा ये रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। तो आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस भी देख लेना। सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। प्लीज़ गिव लव टू माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग सच टाइम इन टॉकिंग, लेट्स बिगिन। सो गाइज, मैं रेडी हो गई थी तीज के लिए ग्रीन आउटफिट डालकर, तो थोड़ा मेकअप एंड ऑल मैंने किया। तो हाय गाइज, हैप्पी तीज। तो मैं ऑल सेट, मेरा ये आउटफिट आपने देखा ही होगा, मैंने ऑल ग्रीन डाला है। इसे मैंने अपनी रील भी शूट की थी, वीडियो शूट की, जिसमें आपने मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। तो अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। आई थिंक मैं एक हैंड पे लगवाऊँगी फॉर अ शगन टाइप, लेकिन एक हैंड फ्री रखूँगी। डिपेंड्स अपॉन के उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि दोनों हाथ पे लगवाऊँ कहेगा, लेकिन अभी मेरा मन है कि एक हाथ पे लगाने। बहुत सुंदर सी बेल सी बनवाएंगी, तो जुड़े रहेगा मेरे ब्लॉग के साथ एंड तक। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मेरी वीडियोज़ देख सकते हो आप, सारी शॉर्ट वीडियोज़ और ब्लॉग्स देख सकते हो मेरे पुराने। एंड लाइक कर देना, कॉमेंट एंड शेयर, आपको पता ही है। चलिए चलते हैं मेहंदी लगवा रहे। We are going to get Nanny. तो सूट में मेरे पास रेडी में दो ऑप्शंस थे, एक ही ग्रीन गोटा पट्टी का सूट, ये मेरा बहुत फेवरेट था, बट ये बहुत पुराना था तो मेरे को था मेरे को कोई नया डालना है। देन अदर ऑप्शन इज इस ग्रे वाला, ये मैंने एक बार पहले डाल चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो शॉर्ट्स में देखा हो तो ये मेरा फेवरेट था। इसका दुपट्टा ही बहुत सुंदर है। तो नेक्स्ट मैंने अपना हेयर के लिए उस सीरम में, क्योंकि मेरे बहुत ड्राई हेयर हो रहे थे तो सीरम से थोड़े से मेरे बाल सिल्की सॉफ्ट हो गए थे, क्योंकि मुझे ब्रेड बनानी थी। तो उसके लिए मैं अपने थोड़े हेयर को प्रिपेयर कर रही थी ताकि कुछ भी हेयर फॉल ज़्यादा ना हो और बाल थोड़े से अच्छे दिखे, रफ रफ ना दिखे ज़्यादा। देन आई स्टार्ट माय मेकअप यूजिंग ऑल मेकअप प्रोडक्ट। सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर प्राइमर सनस्क्रीन सब लगा लिया था एंड दिस इज़ आई एम वेयरिंग प्राइमर हेयर लैक्मे का, जो कि बहुत अमेजिंग प्राइमर है। देन वेदर कोई भी हो, लेकिन लोटस सनस्क्रीन है आपने नहीं भूल ली, कोई भी सनस्क्रीन यूज़ सकते। इसमें मैंने फाउंडेशन नहीं यूज़ किया, ये मेरा लॉरा मर्सर का कंसीलर कम फाउंडेशन है नॉर्मल वन, तो प्रॉपर फाउंडेशन नहीं मैंने यूज़ किया। देन इसको मैंने ब्लेंड किया, मतलब ड्राई ब्रश के साथ में थोड़ा मैंने इसमें मिस्ट डाला एंड उसके बाद इसको ब्लेंड किया ताकि जो इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही अच्छा लगता है, बेस बहुत सुंदर बन जाता है। देन अपने ब्रोज सेट किए मैंने अपने आईब्रो पेंसिल, एल्फ की बहुत अमेजिंग ये आईब्रो पेंसिल है, डू चेक इट आउट, और नायका। देन आफ्टरवर्ड्स मैंने अपना कंप्लीट मेकअप सेट कर लिया प्रॉपरली। बेस बहुत अच्छा तब बन सकता है जब अगर आपका स्किन केयर बहुत अमेजिंग हो एंड आपका प्राइमर जो पोर फिलिंग वाला हो वही यूज़ कीजिएगा। एंड आई का मेकअप मैंने
आई मेकअप का मैंने थोड़ा आईज के ऊपर मैंने लाइट ही रखा, ग्लिटर सलके से लगाए इसमें, एंड अच्छा सा न्यूट्रल सा आई मेकअप किया है मैंने, आप देखेंगे इसमें मेरे को बहुत अमेजिंग लगा है लाइट। ये रेगुलर वे में मैं कर सकती हूँ, एंड लोअर लैश लाइन पे मैंने 3 shades यूज़ किए जिससे मेरा आई मेकअप पूरा कंप्लीट लगे। तो सो मस्कारा के साथ मेरा आई लुक कंप्लीट हुआ, माय मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, बस ब्लशर एंड हाइलाइटर इज मिसिंग। तो ये ब्लशर लगा रही हूँ मैं, बहुत ही अमेजिंग क्रीम बेस्ड नहीं है, थोड़ा जेल बेस्ड है, बहुत अमेजिंग पिगमेंटेड ब्रश है ये ब्लश। सो लास्ट मैंने हेयर डू कर लिया अपना, गाइस आउटफिट सो इयररिंग्स मेरे पास 2 options थी, 1 is जो थोड़े हैवी थे तो मैं सोचा लाइट वेट ही डाल लूँ, तो मैंने ये फाइनल किए। फंक्शन के प्रॉपर रेडी है, दिस इज माई होल आउटफिट, मैं आपको पूरी क्लियर पिक्चर दिखा दूंगी, एंड दिस इज माई लुक। आई लाइक द दुपट्टा, वाइट दुपट्टा से काफ़ी खिल रहा है, यू कैन सी कि मैंने न्यू हेयरडू बनाया है, इट्स रियली वेरी सिंपल, जस्ट एडेड अ पॉप इन टू इट, सो लेट्स गो टू द वेन्यू। सो गाइज वी हैव रीच्ड आवर लोकेशन, प्रैंकस्टर 26 में हम गए थे, यहाँ पे हमारी की टी थी, एंड द लाइक एम्बियंस वॉज वेरी गुड, एंड द एंट्रेंस में जब ये लॉबी में बहुत अमेजिंग आर्ट वर्क था, एंड मिरर वाला जो पार्ट में थोड़ा मिस करती हूँ, मेरा बहुत मन था कि मैं पूरा एक फुल वीडियो लूँ वहाँ पे, एंड अंदर भी बहुत अमेजिंग, ओवरऑल इट वॉज वेरी नाइस कैफे विद गुड वाइब्स, लाइक प्रैंकस्टर नेम भी बहुत यूनिक है, एंड यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है, बट कोल्ड कॉफ़ी वॉज ओके, आई टू केयर कोल्ड कॉफ़ी, एंड यहाँ का जो लीकर का ये पूरा मुझे ना आई थिंक जैसे यहाँ ब्रीवर स्टेट और समथिंग लाइक और नेम वैसा सा ये कैफ़े लगा, उनका भी ऐसे बार ओपन में ही है, एंड यहाँ पे हम वी आर डूइंग सम कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग आर आउटफिट्स। सो आई होप यू ऑल्सो लाइक माई आउटफिट, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, एंड हमने कुछ डिसाइड किया खाने के लिए, एंड ये देख लीजिए पूरा मेरी फ्रेंड्स एंड ऑल ये होस्ट थे यहाँ पे, एंड फूड वॉज वेरी गुड, थोड़ा लिटिल स्पाइसी, एंड दैट्स इट, बाकी इन्जॉय कीजिए। सो गाइस काफ़ी लेट हो गया था, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, वी इन्जॉयड अ लॉट, एंड हेयर एंड अप विथ प्रैंकस्टर। आई होप यू लाइक दिस,
क्यूट मिनी व्लॉग एंड प्लीज़ डू कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मौसम बहुत ही अमेजिंग हो गया था एंड बारिश का तो पूछो ही मत, इतनी बारिश हुई। मौसम वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड रेनी। सही टाइम पे निकले नहीं तो हम फर्स्ट आते यहाँ पे। ओके बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सी यू सून। बाय गाइस।